अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेलवे स्टेशन से, क्योंकि टेंशन में मैं घर से स्टार्ट कर ही नहीं पाई। हम लोग लेट हो गए थे और मुझे था कि हम ट्रेन मिस ना कर दें। सिर्फ 5 मिनट पहले अभी पहुँचे हैं, तो हेयर वी आर। हम लोग जा रहे हैं वेकेशंस पे और अभी क्या टाइम हुआ है, 10:28 पे हमारी जो है वो ट्रेन आनी है और इंशाल्लाह हम आफ्टरनून को पहुँच जाएंगे। ये रहा मीर हादी। हेलो मीर हादी। वो फर्स्ट टाइम ट्रेन पे बैठूंगी, मैं कभी ट्रेन पे नहीं बैठी, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। ये व्लॉग दिसंबर के स्टार्ट का था, लेकिन इसके नसीबों में जो है ना वो अगले साल अपलोड होना ही लिखा था। अब तो जो है वो नया साल भी आ गया है। आप सब लोगों को नया साल मुबारक हो और उम्मीद है कि ये नया साल हम सब के लिए और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा साबित रहे। तो खैर भाई, हम लोग जा रहे हैं मैनचेस्टर अपने रिलेटिव्स की तरफ, और क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थी और मीर हादी की बर्थडे भी आने वाली थी, तो हमने सोचा भाई क्यों ना थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि 6 महीने हो गए थे मुझे नॉर्थहैम्पटन आए हुए और यहाँ पे हमारा कोई रिलेटिव नहीं है और एज सच कोई भी जानने वाला नहीं है। बस हम लोग जो हैं वो अकेले ही हैं यहाँ पर, तो हम कहीं भी नहीं गए। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा निकलें अपने हांडी रोटी इस घर से और अपनी टफ रूटीन से, ताकि थोड़ा सा जो है वो माइंड फ्रेश हो जाए। सो अभी हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में और मीर हादी इतना एक्साइटेड हुआ है ना, मीर हादी का भी फर्स्ट टाइम है और मेरा भी फर्स्ट टाइम है, और अंदर जो ना हीटिंग लगी हुई है, यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है। तो खैर हमारा सफ़र हो गया है स्टार्ट और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे हम लोग पहुँच जाएंगे 1 बजे तक। तो सो फॉर मीर हादी को देखें तंग नहीं कर रहे, खेल रहे, एक्साइटेड हुआ है। ट्रेन का सफ़र बिल्कुल इसी तरह का था जैसे बस हम लोग बैठे हुए हैं और हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी ट्रेन हिली नहीं थी रही और मुझे पता ही नहीं था चल रहा। हालांकि मैं मेडिसिन खा के गई थी, क्योंकि मेरे साथ ये मसला है कि मैं सफ़र बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे मेरा सफ़र इतना अच्छा गुजर गया और हम लोग पहुँच गए और बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं हुई ना थकावट हुई। तो सो फार जो ट्रेन का जो है ना वो बेस्ट है यार, बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। और रास्ते में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, कुछ जगह बारिश थी कुछ जगह बारिश नहीं थी, और मीर हादी पहले तो देखता रहा बाहर एक्साइटेड हुआ रहा, क्योंकि उसके लिए भी नई चीज़ें थी, अब बड़ा हो रहा है ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ें, और यहाँ पे थक हार के बैठ के अब सुस्ती चढ़ गई उसे, क्योंकि जब घंटे से हम लोग बैठे हुए थे और मीर हादी जो है ना बस वो खड़ा बाहर विंडो से देख रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये क्या नई चीज़ है उसके लिए। तो भाई वीडियोस जो हैं वो बहुत ही लेट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, कोई 2 महीने के मेरे व्लॉग्स पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं उनको एडिट करके अपलोड करूं। और जब इतने पुराने व्लॉग्स हो जाते हैं ना, फिर तो बंदे का दिल ही नहीं करता कि मैं उसको एडिट करूं, और क्योंकि लाइफ में इतना कुछ हो जाता है और 2 महीना पहले के व्लॉग को एडिट करना जो है ना, फिर बंदा कहता है यार रहने दो। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ बस यूट्यूब को छोड़ ही दूँ, लेकिन फिर मैं जो है ना फिर आ जाके मेरा शौक जाग जाता है और फिर मैं कहती हूँ नहीं 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 मैंने ना अपलोड करनी है वीडियो। तो खैर मेरा तो यही चलता रहेगा, उम्मीद है इस साल कुछ डिफरेंस हो जाए। मैं अगर मुझे पता है अगर मैं इसको टाइम दूं तो मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं टाइम पे अपलोड ही नहीं करती और जिसकी वजह से मेरी रीच सारी चली जाती है। तो खैर अभी जो है टिकटॉक पे मेरी रीच काफ़ी अच्छी आ रही है और मीर हादी की जो मैंने बर्थडे की वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं पहले ही टिकटॉक पे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेटस लगाने थे। तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मीर हादी के बर्थडे का व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ। बीच में बहुत सारे व्लॉग्स हैं लेकिन अब मैं वो बारी बारी जो है वो अपलोड कर दूँगी, होंगे तो वो प्रीवियसली, लेकिन चलें अपलोड तो करने ही है ना। बस कोशिश करूँगी, होप्स हो के मैं कर लूँ इन जनवरी के 10 दिनों में ही पुराने सारे व्लॉग जो हैं वो अपलोड करके फिर नए बनाऊँ, क्योंकि पुराने इतने पड़े हुए हैं और फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं नए व्लॉग भी बनाऊँ। तो मेरे मसले तो ख़त्म नहीं होंगे, तो होप्स हो कि मैं जो है वो अब जो है यूट्यूब को काफ़ी ज़्यादा टाइम दूँ, ताकि जो मेरी रीच है वो जल्दी जल्दी वापस आ जाए। तो खैर सफ़र के बारे में बात करते हैं। यहाँ की जो ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, यानी कि बिजली पे चलती हैं, आप लोग देख भी सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि पंक्चुअल हैं, 1 मिनट भी ऊपर नहीं होता, और जो है वो ट्रेन जो है ना उसने अपने ऑन टाइम जाना होता है, निकल जाती है ट्रेन, और आप अगर 1 मिनट भी लेट हैं तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। नॉर्थहैम्पटन से मैनचेस्टर तक हमें जो हमारा सफ़र था उसमें हमें एक ट्रेन भी चेंज करनी थी, यानी कि एक स्टेशन भी हमें चेंज करना था, और वो ये स्टेशन था, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से अब हमें जो है वो दूसरी ट्रेन में जाना होगा और वो फिर सीधी मैनचेस्टर जाएगी। हेलो जी, अभी हम लोग पहुँच आए हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों ने ट्रेन जो है वो चेंज करनी है, वो रे नदीम, और ये
अच्छा, बहुत अच्छा सफ़र था, मुझे तो पता भी नहीं चला टाइम का। मेरा था कि मैं सफ़र नहीं कर सकती इसलिए मेरी शायद तबीयत ख़राब हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इजी था। और ये अभी क्रियू का जो है वो स्टेशन है, और ये रहा मीर हादी। मीर हादी भी बहुत खुश रहा है ना, मीर हादी बहुत खुश है। ये है क्रियू का रेलवे स्टेशन, वो वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। सी अभी नेक्स्ट बस, बस ही बार बार निकलती है। अच्छा तो अभी हम लोग जो है वो दूसरी ट्रेन पे बैठ चुके हैं, और मीर हादी जो है ना इतने मज़े से अपने कार्टून्स देख रहा है, और यहाँ पे ना इसका टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, जो कि जाते हुए तो इतना बुरा नहीं था, लेकिन जब मैं मैनचेस्टर पहुँची और वहाँ पे कुछ दिन रही हूँ, वो जो एक वीक था ना, मीर हादी ने मुझे बड़ा ही तंग किया। खैर फिर मैंने कुछ स्नैक्स ये हम लोग घर से लेके आए हुए थे वैसे, लेकिन यहाँ पर वो ट्रॉली भी आती है जो हैरी पॉटर की मूवी में ट्रॉली नहीं लेके आते, बिल्कुल उसी तरह की थी, जिसमें आपको कॉफ़ी टी और कुछ स्नैक्स मिलते हैं। तो हम लोग पहुंच आए हैं जी मैनचेस्टर, और ये है मैनचेस्टर का रेलवे स्टेशन। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये रेलवे स्टेशन जो है वो इतना बड़ा और इतना साफ़ सुथरा और इतना प्यारा था, ऐसे लग रहा था जैसे ये रेलवे स्टेशन कम और एयरपोर्ट ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे क्योंकि हॉलीडेज़ हैं, सब लोग आ जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा रश था। और इस जो रेलवे स्टेशन पे ना कि इतना बड़ा है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, लाइक कैफ़े से लेके आपके पास क्लोथिंग, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, जूतों की दुकान भी थी, उसके अलावा आपको सेंसबरी भी मिल जाएगी, उसकी भी आउटलेट थी यहाँ पे। तो इतना बड़ा था ये रेलवे स्टेशन के लाइक बहुत अच्छा था। और चूँकि अब क्रिसमस मंथ है तो हर जगह क्रिसमस की डेकोरेशंस थी, और ये क्रिसमस ट्री के पास मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बनाई हैं, जो कि मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोगों ने मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो करें, मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मेंशन कर दूंगी। तो ये रहा मैनचेस्टर सिटी, हमें पिक करने आ गए थे और हम लोगों ने अब जाना था नेल्सन में। तो मैं जितना भी अभी तक यूके में घूमी हूँ ना, लाइक नॉर्थहैम्पटन, ब्रेडफर्ड और नेल्सन, ओल्डम, इन सब सिटीज़ में ना सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा जो है और जो अपीलिंग है वो मैनचेस्टर लगा है। लंदन अभी तक मैं नहीं गई, तो मैंने वैसे सुना है कि लंदन जो है वो ऑब्वियसली हर बंदा ही जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मैनचेस्टर सिटी जो है काफ़ी लोग जो है वो उसे पसंद करते हैं, और मुझे भी ना सो फॉर यूके में मैनचेस्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। हम लोग पहुंच आए हैं जी नेल्सन, और खाना रेडी था आगे, हम लोगों ने गर्मा गर्म खाना खाया, भूख भी लगी हुई थी। और मैं ये सोच रही थी कि 6 महीने हो गए मुझे किसी ने मेरे आगे खाना बना के नहीं रखा इस तरह, और मुझे अपनी अम्मी की इतनी याद आ रही थी ना उस टाइम कि अम्मी जो है ना कुछ भी नहीं थी करने देती और सब कुछ बना के आगे रखती थी। तो बस हम लोगों ने खाना खाया और मैं खुश थी कि भाई अभी मैं कुछ दिन जो है ना वो आराम करूँगी किचन में, मुझे कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, एज अ मेहमान रहूँगी मैं भी। ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अभी जो आगे आने वाले व्लॉग हैं वो काफ़ी मज़े के होंगे। नेल्सन बाज़ार भी दिखाऊँगी, मीर हादी की बर्थडे का व्लॉग भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।